नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका एग्जाम टोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मानव शरीर विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण 50 ऐसे प्रश्न होंगे जो दोस्तों आपको कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो का ये पार्ट नंबर 5 और ये लास्ट पार्ट है। आप इस पार्ट को लगा लेंगे तो आप इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, आप वहां से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते उससे पहले फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि चुका हूँ। और दोस्तों क्वेश्चन के आगे फ्रेंड्स मैं अभी आपको बताऊंगा। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर जो दोस्तों भाग होता है, ये भाग कौन से होते हैं फ्रेंड्स? सभी प्रश्न आपके लुसेंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस वीडियो को बिना एस्केप किए हुए लास्ट तक जरूर लगा लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा दोस्तों एनामिल। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं दोस्तों आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी जरूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पुनरुभवन को प्रदर्शित दोस्तों करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत इज राइट आंसर, लीवर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा दोस्तों अंग है जो प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या मस्तिष्क? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा दोस्तों मस्तिष्क है, जो आपको प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेषी अंग मेरे पैर दोस्तों नहीं है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, कौन से दोस्तों अंग है जो एक अवशेषी अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, डायफ्राम रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पूछ सकता है, इसलिए क्लास को जरूर लगाए बिना एस्केप किए हुए। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम्स होता है दोस्तों, जिससे क्या होता है जीवाणु मर जाता है? ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की आंसू में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों जिससे जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों वो मर जाते हैं? दोस्तों वह होता है लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लाइसोजाइम रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर में समस्त भाड़ का अधिकांश भाग दोस्तों होता है वो क्या होता है? दोस्तों साथियों वह क्या होता है? जल होता है। ऑप्शन नंबर ए, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो दोस्तों साथियों वह होता है प्रसरण, आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। और एसएससी 2012 का दोस्तों इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। नंबर नेक्स्ट की अगर बात करते हैं नंबर 107 की, सॉरी 207 की, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं, लगा सकते हैं 15, 20, 30 या 40। इस प्रश्न का सही उत्तर कॉमेंट कीजिएगा, हमें इंतजार है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों? मायोग्लोबिन में जो होती है दोस्तों कौन सी धातु होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आप तांबा लगा सकते हैं, और अगर हीमोग्लोबिन की बात करता तो दोस्तों आप लोहा को आंसर करते, ठीक है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त जो दोस्तों होता है ये क्या होता है? ये दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 14.5 gm इज राइट आंसर। एसएससी 2011 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं नंबर 210 की, मानव शरीर का सामान्य तापमान में पैर दोस्तों कितना होता है? दोस्तों साथियों होता है 39.9 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फॉरेनहाइट, ठीक है। इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रासायनिक पराक्रम से प्रोथोम्बन का संबंध है मेरे पैर दोस्तों? तो यह जो है ये रक्त जमाव के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कारण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तो सामान्य कार्य जो नहीं है ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट की अगर बात करते दोस्तों, और ये रहा नंबर 213 का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन दोस्तों सही है, करेक्ट है? दोस्तों साथियों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी कि फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। अगली प्रश्न है दोस्तों, ये जो कांड्रा होता है, जी हाँ दोस्तों ये जो कांड्रा होता है दोस्तों ये किसको किसको जोड़ता है मेरे पैर दोस्तों? ये जो कांड्रा होता है ना ये जोड़ता है पेशी को हड्डी से। किसे दोस्तों? पेशी को हड्डी से जोड़ देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? क्या दोस्तों? शरीर की उत्तेजना से। यह है दोस्तों आपका अधिवृक्क ग्रंथि, आप याद रखिएगा, और एसएससी 2011 का इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी था। अगला प्रश्न है, आदमी के कंठ के किस भाग को अबटु उधर्भ यानी कि एंडन्स एपल दोस्तों कहा जाता है? जी हां दोस्तों, तो ये कहा जाता है थायराइड उपास्थि को, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। और कुछ ही क्वेश्चन फ्रेंड्स, कुछ ही प्रश्न आप लगा लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है। चूंकि आप देख सकते हैं यहां से फ्रेंड्स कई ऐसे प्रश्न है जो आपको पूछे गए, प्रश्न बता रहा हूं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न, ये दोस्तों होता है 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थियां कौन सी होती है दोस्तों? तो सबसे जो लंबी अस्थि होती है दोस्तों वह होता है उरु अस्थि, ऑप्शन नंबर सी।
मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी दोस्तों बिना कुचला रहता है। तो सही और दोस्तों राइट आंसर से इस प्रश्न का क्या आएगा, कमेंट जरूर करें अगर आप जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का मैं बताता हूं आपका सही आंसर, कोशिकाओं में तरल। ठीक है, सामान्य मानव शरीर का तापकरण दोस्तों क्या होता है, फॉरेनहाइट की बात कर रहा है तो दोस्तों 98.6 फॉरेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट दोस्तों होता है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो आप फ्रेंड्स आपको यहाँ से नन ऑफ दिस दे रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं दे रहा, तो आप डी को आंसर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं TET 2009 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे में निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है दोस्तों? साथियों यह किया जाता है फिल्म से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह जो मुख्य भूमिका होती है दोस्तों यह होता है ऑप्शन नंबर ए, सी ए इज राइट आंसर। मनुष्य में सामान्य निरत्न रुधिर सरकड़ा प्रति लीटर 100 ml रुधिर जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? तो ये होता है सर 80 से 100 mg, ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 mg राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनकी संख्या दोस्तों बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। नंबर 125 है, मानव में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? मानव में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है दोस्तों वह होता है 140 से 180 mg के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका दोस्तों रक्त दाब क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये बताइए दोस्तों। साथियों ऐसा अगर होता है तो क्या होता है, उसकी जो रक्त दाब, जो फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर होता है उस पर क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ने लगेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है दोस्तों? साथियों यह बनती है ऑप्शन नंबर बी दीर्घ अस्थि रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपके बेहतरीन भी है। और अगला टॉपिक फ्रेंड्स आपको कौन सी चाहिए कमेंट भी जरूर लगाइएगा। मधुसूदनी अंता श्राव एक क्या है दोस्तों? यह एक पेप्टाइड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां जो होती है दोस्तों ये क्या होती है? तो ये होती है फिबुला और टीबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? जी हाँ, तो यह है फ्रेंड्स यूरेटस। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता दोस्तों हो जो होती है ये किसके लिए होती है फ्रेंड्स? तो ये होती है ऑक्सीजन के लिए। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? जी हाँ दोस्तों, सेक्स हार्मोन का जो स्राव करता है वो ग्रंथियाँ कौन सी है दोस्तों और साथियों? बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए एड्रेनल ग्रंथि रहेगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जठर के बारे में नहीं जानते दोस्तों? तो यह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप देख सकते हैं जठर के खाली होने की दर खाद के पदार्थ पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो डी रहेगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी अंग वसा का वंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करती है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, अगर आप जानते दोस्तों तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों और साथियों इस प्रश्न का सही और राइट आंसर जो आएगा 234 का वो आ रहेगा आपका यकृत इज राइट आंसर। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए फ्रेंड्स किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सॉरी सी रहेगा, मस्तिष्क के लिए EEG बिल्कुल राइट आंसर। नंबर 236 की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में दोस्तों सही है? हृदय के ध्वनि के संदर्भ में सही है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा, नंबर 236 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी कि हृदय की ध्वनियां हृदय के वाल्व के खुलने और बंद होने के कारण होती है। मानव त्वचा का रंग दोस्तों बनता है जो किसके कारण? मेलानिन के कारण, अभी जस्ट आपने देखा था। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक का रुधिर वर्ग दोस्तों क्या हो, ए बी हो और दूसरे का ओ हो, एक का ए बी हो ब्लड ग्रुप और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों में जो संभावित रुधिर वर्ग होगा, ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो वह ए हो सकता है या बी हो सकता है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक, यानी कि 24 होती है फ्रेंड्स? तो पसलियों की संख्या सबसे ज्यादा 24 होगा दोस्तों वह मानव में ही होगा, ठीक है, मानव मनुष्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और ये रहेगा नंबर 240 जो कि इंपॉर्टेंट है। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः जो दोस्तों संबंधित होता है या किससे संबंधित होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट और सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, जानते हैं तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी ताप नियमन से। नंबर 241 है कि मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है?
दोस्तों साथियों यह होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लगा सकते हैं चार होते हैं। सर्वग्राही कौन से रुधिर दोस्तों वर्ग होता है? जी हाँ दोस्तों, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ए बी को आप आंसर कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सही हो। देख सकते हैं कई प्रश्न ऐसे दोस्तों किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए ही प्रश्न है, तो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 243 की, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान भी है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र दोस्तों होता है, इसे क्या कहते हैं? जी दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रहेगा सही आंसर, वो जो कान वाली मशीन लगाते हैं ना डॉक्टर, वही वाले। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं नंबर 244 की, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कथन है, कारण है, ये रीजनिंग टाइप्स की प्रश्न है आपको। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, कारण कहता है कि रक्त समूह ए बी का लाल रक्त कोशिकाओं को कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह नहीं होता है। तो सही आंसर दोस्तों जो आएगा आपका इस प्रश्न का क्या आएगा, वह रहेगा दोस्तों सी, ए सही है परंतु आर जो है गलत है, यानी कि फ्रेंड्स कथन जो है सही है बट कारण जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर सकते हैं और ये MPPSE 2008 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन जो है ये कौन से में पैर दोस्तों, तो यह है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड का जो दोस्तों व्यास होता है ये लगभग कितनी होती है? मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है 0.007 mm होता है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है दोस्तों? जी हाँ शरीर में दोस्तों जो हीमोग्लोबिन का काम होता है, जो कार्य होता है, वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना ही हीमोग्लोबिन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं नंबर 248 के, बस दो प्रश्न और बचे हैं आप लगा लेंगे। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सी पदार्थ जमा होता है दोस्तों? तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है दोस्तों तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है। नंबर नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो सामान्यतः उसका रक्त दाब जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा या बढ़ेगा? तो जब दोस्तों वह वृद्ध होता है जब व्यक्ति, तो उसका जो रक्त दाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, वो घट जाता है, कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में फुक्ष कौन सी संरचना में संलग्न होता है? मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर रहेगा वृद्धांत्र, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। ये आपको IAS 2007 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे कमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। तो दो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको होमवर्क के रूप में है, आप जरूर लगाएं। मानव शरीर में क्षुद्रांत के तीन संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा दोस्तों सही ह्रस्वानुक्रम है? इसका आंसर आपको करना है ए बी सी या डी। दूसरा क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन से रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है दोस्तों? इसका भी आंसर आपको करना है ए बी सी या डी, ठीक है। तो देखता